गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हो? और ये हम उठ गए थे 8:30 क्योंकि आज है संडे की छुट्टी। तो वैसे भी ज़्यादा लंबी नींद आ नहीं आती नहीं है, वैसे ही आदत गिर जाती है कि कितनी बजे उठना है, तो आदत ही पड़ जाती है। तो 8:30 वैसे तो पहले ही आँख खुल गई थी, पर जान पूछ के ऐसे लेटी रही, फिर 8:30 बजे उठ गई थी। फिर मैं गाइस दूध लेके आई हूँ। तो गाइस, मैं पहले दूध लेके आई। दूध रात को बच्चे लेके नहीं आए थे, मैं दूध लेके आई हूँ और मैंने चाय पी ली है। तो अभी चढ़ा रही हूँ बनाने के लिए। मैं दाल तेल डाल रही हूँ, तो अभी बनाऊंगी गाइस मैं दाल। और इसमें बन रही है गाइस, क्या बन रही है, खीर। ये देखिए, क्योंकि दाल ही पसंद करेंगे और सब्जी तो पसंद करेंगे नहीं। कल आलू बैंगन की बनाई, तो आलू आलू निकाल के खा लिए, बैंगन साइड में रख दी। तो दाल बना देते हैं बच्चों के लिए, और दाल बन गई। पर बनाने तो मेरे को गैस से चावल थे, पर अब खीर बना ली तो चावल थोड़ी ना बनाऊंगी। ये देखते हैं, थोड़े से चावल बना लेंगे और थोड़ी सी बना लेंगे रोटियां, वैसे ही सही है। और ये हमारा गाइस जो टखड़ा है, आपको सुबह सुबह दर्शन कराती हूँ। देखिए मस्त है ना गाइस, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। पर इतनी गर्मी है, देखिए एकदम से ताजा फूल आई थी, सूख गए हैं बिल्कुल ही। आवाज आ रही, देखिए पिक्चर। तो ये तो थोड़े गीले हैं क्योंकि ये यहाँ से गीले रहते, ये बाकी सूख गए। मस्त है गाइस, तेल गरम हो चुका है गाइस। देखिए गैस तेज करके उधर चली गई आपको हमारा जोटा दिखाने के लिए, और ये तेल गरम ज्यादा ही हो गया। तो दाल हम चमक देंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे आज के व्लॉग में। आज भी बहुत सारा मजा आने वाला है आपका। गैस हमारी बन गई है, ये देखिए खीर अच्छे से, और हमारी दाल भी बन गई है। तो अभी मैं बना रही हूँ देखिए रोटियाँ। तो अभी बना रही हूँ रोटियाँ, 3-4 और रही है गैस। फिर हमारी रोटियाँ बन के हो गई है रेडी। दाल बना ली है और बनाई है मैंने खीर। बस अब थोड़ी सी सफाई करनी है। कल काम ज़्यादा था गैस, आज काम कम है क्योंकि कल आ गई थी आंधी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा काम था, आज कम ही है। और खीर हमारी बन गई है और दाल भी बन गई है और रोटियां भी बनाई ली है, बस थोड़ी सी बाकी है। यार बादल भी हुए हैं तो ये भी डर लग रहा है, कहीं मैं साफ सफाई कर लूं और फिर आंधी नहीं आ जाए, ये भी डर लगा रहता है। ऐसे तो मेहनत है ना, अपने तने पसीने पसीने हुए, काम करे, साफ सफाई करे, और उसके बाद गाइस आ जाए आंधी तो कितना परेशानी हो जाती है यार। तो चलिए बना लेते हैं रोटियां फटाफट से, गर्मी लग रही है। आज मैं आराम आराम से काम कर रही हूँ गाइस। पहले मैंने सारे बर्तन साफ किए, फिर मैंने रेस्ट किया, फिर मैंने दाल और खीर बनाई, फिर मैंने रेस्ट किया, मैंने चाय पी, फिर मैंने रेस्ट किया, अब रोटी बना ली। तो मैं रेस्ट करके अब रोटी बनाने आई हूँ। तो अभी रोटी बना लूंगी, और जितने ये गैस ठंडा होएगा इतने मैं कपड़े सामटने हैं, कल धोए थे वो कपड़े सामट लूंगी। तो रेस्ट भी कर ले रही हूँ साथ साथ में, और काम भी कर ले रही हूँ। और आज काम वैसे भी कम है गैस, इसलिए मैं आराम आराम से कर रही हूँ, कोई टेंशन नहीं है। कल तो क्या था, पूरा घर मिट्टी मिट्टी था, तो इसलिए टाइम लग गया, पूरा घर गंदा था। और ऊपर तो हमने की नहीं है गैस पोछा, हमारा नहीं। पिछले शनिवार इतवार को मैं साफ करके आई थी, इस शनिवार इतवार को किया ही नहीं मैंने, क्योंकि थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है तो पड़ी रहेगी, नहीं होता है गैस बहुत। यहाँ से यहाँ यहाँ ऊपर इतनी हीट है, जैसे अपन खाना बना रहे हैं ना और गैस के पास खड़े, इतनी हीट ऊपर है, तो मैं चढ़ती नहीं हूँ, गर्मी मरते हैं गैस फालतू में। कुछ नहीं, एक दिन जचा के पोचा फेर देंगे, फिर ऐसा कुछ कोई ऊपर चढ़ता तो वैसे ही नहीं है। देखने तो आए थे कल 2 किराएदार, अब देखते हैं कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, सेटिंग बैठने पे है।
दो देख के तो गए थे कल शाम को, उनके नंबर हमने भी नहीं लिए, उन्होंने नंबर हमारे भी नहीं लिए। अब दो जने देख के चले गए, अब वापिस आएंगे तभी कुछ होगा। तो हमारी बन चुकी है गैस रोटी, तो गैस करते रहा करो लाइक और सब्सक्राइब पर करते रहा करो। गाइस इतने दिन बाद मैंने बारिश देखी है, इतनी गर्मी इतनी आंधी के बाद आज बारिश आई है। तो ये देखिए गाइस, मुझे तो मज़ा ही आ गया। मेरे बच्चे ने बताया मम्मी क्या सो रहे हो, बात तो बारिश आई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं तो खाना उना खा के और सीधा ही लेट गई, तो अभी उठी हूँ, 5:05 हुई है। तो देखिए गाइस कितने गहरे गहरे बादल हैं, काले काले, और साथ में ही गाइस बारिश है। ये देखिए अच्छी खासी बारिश आई हुई है, साथ में ही धूप आई हुई है गाइस। आज तो ठंडा मौसम हो गया है गाइस, मस्त वाला। ये देखिए जैसे मैं सोच रही थी शायद भगवान इस तरफ की तेज बारिश आए तो मेरी ये जो टाइलें हैं इस तरफ तो ये डूब जाएंगी अच्छे से। तो ये देखिए गाइस बारिश आ रही है, ये देखिए गाइस अच्छी खासी बारिश आ रही है। दिन से बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा आंधी आई थी, तो भगवान करे अच्छी सी बारिश हो जाए ना, तो इस कारण पूरी छत वगैरह दीवारें वगैरह साफ हो जाए, नहीं तो यहाँ कभी भी नहीं आती है गाइस बारिश। पहले आंधी आएगी फिर उसके बाद 4 बूंद आ जाएंगी तो पूरा लपा पोता हो जाता है। तो गाइस चलिए मैं तो बहुत खुश हूँ, वैसे भी मेरे को बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है, एक सर्दी और एक बारिश, तो हद से ज़्यादा बारिश ज़्यादा पसंद है। तो अभी गाइस बनाएंगे चाय, चलते हैं अंदर। तो चलिए गाइस चाय बना लेते हैं, मुँह गीला हो गया, बारिश आ रही थी, अब तो बंद नहीं हो जाए। तो गाइस नहा धो के मैंने नाइटी पहन ली थी, बाद में तैयार हो जाएंगे क्योंकि काम करते करते थक जाते हैं, तो मैंने सोचा आराम कर लेते हैं। खाना तो हमने खा लिया था फिर आराम किया, ऐसी ही बारिश आई गाइस, बारिश बंद हो चुकी है। अच्छी खासी तेज बारिश आती है ना, मज़ा आता, एक बार इस तरफ से एक बार इस तरफ से पूरा घर डूब जाता, मज़ा आ जाता। गाइस हम हो गए हैं रेडी, तो कैसे लग रहे हैं बाहर जाने के लिए, और हमारे मौसम है अच्छा तो थोड़ा सा बाहर घूम के आ रहे हैं। हम आए हैं यहाँ पे गाइस कपड़े खरीदने के लिए, कोई और कलर दिखाओ अच्छा, ले लियो नहीं एक है तो कलर पसंद आया मैं तो ग्रे कलर, ऐसी कलर है थोड़ी था क्रीम कलर, इसमें डार्क में है। ये भी अच्छी है, वो ले लो। आप शाम दुकान में डाल दो, बड़े होती चलो आज। तो उसमें तो हमने गाइस पिंटे खरीद ली हैं, और यहाँ हम ये उन्हीं की दुकान है तो यहाँ टी शर्ट देखने आए हैं, वहाँ पे पसंद नहीं आई।
देखिए ये भी काफी बड़ी दुकान है, पगड़ी वगैरह सब मिल रहा है। अच्छा जन ये देखिए गाइस राजस्थानी पगड़ी, कोट वगैरह सब चीजें मिलते हैं गाइस। देखो कितना अच्छा मैं तो देखा नहीं। शर्ट फिर डाके नहीं मिल रही शर्ट कौन कौन ये लागे शर्ट कौन कौन टीशर्ट में कहीं चला ठीक है तो ये सब पूछ लियो ओ शर्ट ओ ले ले नहीं शर्ट ओ शर्ट पेंट मत ले ले एलिए नहीं चल ले ले बात ले तो हमने गाइस ले ली है ड्रेस, अच्छी लगी मन तो, और थारी मर्जी और देख लो अन में एक ये ले लिया गाइस, एक ये ले लिया और एक ये बिल सारा वो साथ ही हो जाएगा। हाँ सही लगाना रेट। कपड़े खरीद लिए हैं तो चलिए अब चलेंगे घर पे, लेट हो चुके हैं तो गाइस हम तो यहीं से कपड़े खरीदते हैं और अच्छी रेट में और अच्छे कपड़े मिलते हैं गाइस। ये दुकान है मॉडर्न मार्केट के अंदर, ये दुकान है मॉडर्न मार्केट के अंदर और दुकान का नाम है CRV कलेक्शन, जो को मेंस के कपड़े अच्छे मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं और काफ़ी रेट में, और ये रेट भी कम कर देते हैं जो भी अपन लेते हैं। हमारा नाम लोगे तो और भी छूट करेंगे। और जो भी कपड़े खरीदो तो CRV कलेक्शन मॉडर्न मार्केट से खरीदे। मस्त लग रहा है ना मेरा बेटा एकदम, और माँ बेटे सेम सेम। ये देखिए गुलाब जामुन बन गए अपन दोनों जने, तू केसर वाला मैं डाल डगी। तो गाइस हम खा रहे हैं खाना, खाने में दिखाती हूँ मैं क्या क्या है खाने में है। देखिए गाइस रोटी और ये मेरे को टेस्टी लगी चटनी और छाछ और सलाद और गाइस देखिए ये दाल है। तो हम खा रहे हैं गाइस खाना और करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अगर गाइस मेरा ब्लॉग पसंद है लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस आपको अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।